हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आपको जेआईवी आईवीएफ के द्वारा जो हमारा सीआईवी का सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं अपने एवीएम के सेशन को। एवीएम का बुक भी आ चुका है मार्केट में, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इसको आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने एवीएम के यूनिट वन के थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। हमारा एवीएम का जो यूनिट वन है वो बेसिकली है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन एंड डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो ये हमारा टॉपिक है। आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग फिर देखेंगे दोस्तों कि क्या स्टैटिस्टिक्स की फंक्शन है। फिर हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की क्या लिमिटेशन है, डिमेरिट है। दोस्तों यहाँ तक तो हमारा थ्योरेटिकल चलेगा, यहाँ तक जो है हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक यूनिट है। उसके बाद दोस्तों कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, डाटा कलेक्शन देखेंगे। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो जहाँ से हमारा क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कीवर्ड्स और फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक का विवरण है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। लेकिन दोस्तों शुरुआत में बता दूं कि हमारे चैनल पे आप सीआईवी टारगेट सीआईवी 2023 की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल फॉर अपकमिंग सीआईवी एग्जामिनेशन। इसके अंदर दोस्तों वी विल कवर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, दैट इज एवीएम, बीएफएम, बीआर, बीआरबीएल, AVFM एंड इलेक्टिव पेपर। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या मिलेगा, यू विल गेट यूनिट वाइज थ्योरी वीडियो, यू विल गेट यूनिट वाइज थ्योरी PDF एंड यू विल गेट यूनिट वाइज MCQs। MCQ दोस्तों आपका थ्योरी का भी रहेगा और दोस्तों हमारा जो वीडियोस रहेगा वो MCQ का भी रहेगा और थ्योरी का भी रहेगा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास 3 प्लान अवेलेबल्स है जिसे आप जो भी आपको सुटेबल हो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये एक तो प्लान है दोस्तों हमारा वीडियोस प्लस PDF का, जो कि ₹799 है पर सब्जेक्ट। और इलेक्टिव पेपर के लिए दोस्तों हम लोग 449 है। करंटली वी आर कवरिंग HRM एज द इलेक्टिव पेपर एंड वी विल कवर सम मोर पेपर एज इलेक्टिव। दोस्तों PDF ₹299 की है और इलेक्टिव पेपर की जो PDF है वो ₹199 की है। और फ्रेंड्स, इफ़ यू परचेज ऑल ऑफ दिस 5 एट वन गो, यू विल गेट 20% डिस्काउंट। टू परचेज यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, नंबर इज ऑन योर स्क्रीन। सो लेट मी राइट डाउन द नंबर वंस मोर, एंड नंबर हैज ऑल्सो बीन शेयर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो आप डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर को देख सकते हैं एंड यू कैन गेट मोर डिटेल अबाउट दिस प्लान बाय व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स देखिए, इंट्रोडक्शन यानी कि स्टैटिस्टिक्स, ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ये कहाँ से आया है दोस्तों। इसमें ये इटालियन वर्ड है, कुछ जर्मन वर्ड है, ठीक है। जर्मन वर्ड क्या है, स्टैटिस्टिक है, ठीक है, ये जर्मन वर्ड है। तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कि ए ग्रुप ऑफ नंबर और फिगर्स दैट रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। यानी आपके पास जो है कुछ संख्या है, कुछ नंबर्स की संख्या है, कुछ फिगर्स की संख्या है, जो कि इन्फॉर्मेशन दे रही है ह्यूमन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। अब दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो पहला किसने इसे यूज किया था दोस्तों, वो आप जान लीजिए, एकेनवेल, ठीक है। एकेनवेल प्रोफेसर थे, इन्होंने 1749 में इस टर्म को पहली बार यूज किया था, ठीक है। और इन्हें कहा जाता है, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को पॉलिटिकल साइंस डिफाइन किया था। इन्होंने क्या बोला था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। सो ही डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज पॉलिटिकल साइंस। एकेनवेल वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द वर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड ही डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ पॉलिटिकल साइंस। अब दोस्तों स्टैटिस्टिक्स पुराने जमाने में किंग्स यूज करते थे, जो राजा होते थे ना वो यूज करते थे, ताकि अपने स्टेट के बारे में, अपने राज्य के बारे में कुछ जानकारियां हासिल कर सकें, अपने लोगों के रेवेन्यू के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। लेकिन दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का यूज जो है बढ़ता चला गया और आज के समय में ये बिजनेस में यूज होता है, कॉमर्स में यूज होता है, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, पॉलिटिक्स, प्लानिंग, मेडिसिन और अदर साइंसेज में यूज होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि प्रैक्टिकली हम लोग लाइफ में भी इसे यूज करते हैं, कॉलेज में यूज करते हैं, ताकि हम अपने मार्क्स, हमारे एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं उसके डाटा को अरेंज कर सकें। हॉस्पिटल में यूज करते हैं, ताकि हम लोग ये पता कर सकें कि कितने पेशेंट हैं जिनको अलग अलग डिजीजेज हैं, मोर्टेलिटी रेट पता करने के लिए। तो ये सभी चीज़ों के लिए हमें डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों
आपको मैं वेदर फोरकास्टिंग में बताता हूँ कि वेदर फोरकास्ट भी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करती है, जैसे रेग्रेशन टेक्निक, हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों रेग्रेशन टेक्निक को, टाइम सीरीज एनालिसिस यूज करती है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं वेदर फोरकास्ट की, तो वेदर फोरकास्ट में टाइम सीरीज एनालिसिस रेग्रेशन टेक्निक यूज किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है ये स्टैटिस्टिक्स, और इसीलिए हमारे लिए हमारा AVM का जो मॉड्यूल है उसमें ये टॉपिक डाला गया है। अब दोस्तों मैं आपको बेसिक चीज समझाता हूँ कि डाटा का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों डाटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को दो तरह का इन्फॉर्मेशन हो सकता है दोस्तों। डाटा का मीनिंग है इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाटा? डाटा मीन्स इन्फॉर्मेशन विच कैन बी ऑफ टू टाइप। अब दोस्तों कौन कौन दो तरह का के डाटा हो सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों डाटा हो सकते हैं या तो हमारे क्वालिटेटिव डाटा हो सकते हैं या दोस्तों हमारे क्वांटिटेटिव डाटा हो सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा को डिस्कस करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव डाटा, दिस इंटायर टॉपिक इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव डाटा, प्लीज रिमेंबर, जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकें और जिसको हम लोग फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकें। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट डाटा मीन्स इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन दो तरह से हो सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों हम लोग क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डाटा को यूज करते हैं, जिसको हम लोग फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यदि हम बात करें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो डाटा का होता है उसका चार अलग फेजेज हैं। अब वो कौन कौन फेजेज है दोस्तों, यानी डाटा के अंदर कौन कौन से चार फेजेज हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेज यही है कि हम न्यूमेरिकल डाटा को, दोस्तों मैं फिर से बता दूं हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा की बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास कुछ पब्लिश सोर्स होंगे, कुछ अनपब्लिश सोर्स होंगे, तो वहाँ से हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग रॉ डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेंगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो डाटा को कलेक्ट करना तो पहला स्टेप है, उसके बाद हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना है प्रॉपरली ताकि उस पर कैलकुलेशन किया जा सके। जो रॉ डाटा है दोस्तों उसको हम लोग डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं या उसे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, या तो टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या ग्रुप्स में डिवाइड करें या क्लासेस में डिवाइड करें। अब देखिए हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने उसे टेबलेट, हमने उसे प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर लिया। अब बात आती है उस पर एनालिसिस की, तो हमारा जो क्लासिफाइड और टेबलेटेड डाटा है उसको एनालाइज किया जाता है अलग अलग फॉर्मूलाज के द्वारा, मेथड्स के द्वारा, ठीक है। तो जो भी हमारा स्टडी का पर्पस है या इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, टेबुलेटेड डाटा को एनालाइज करते हैं, और लास्टली हम लोग क्या करते हैं, डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। ये हमारा फाइनल स्टेज होता है कि जो डाटा को हमने एनालाइज किया उस पर हम लोग कुछ रिलेवेंट कंक्लूजन निकालते हैं। तो स्टेप अगर फिर से रिकॉल कीजिए, डाटा का कलेक्शन, फिर डाटा का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन यानी कि टेबुलेशन करना, फिर आप डाटा का एनालिसिस करेंगे और फिर उसे आप क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। यानी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं दोस्तों, यदि नर्सरी में समझाऊं तो हो क्या रहा है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग उसे क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। क्लासीफिकेशन के बाद हम लोग उसे एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस के बाद दोस्तों हम लोग उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारे चार बेसिक स्टेप्स हैं, चार फेजेस हैं हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। प्लीज रिमेंबर दिस फोर स्टेजेस, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। प्लीज रिमेंबर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस तो हम लोग मैंने आपको पहले ही बताया कि आप डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेंगे, आप एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करेंगे, एनालाइज करेंगे। एप्रोप्रिएट फॉर्मूला से आप क्या करेंगे दोस्तों, आप बेसिकली एनालाइज करेंगे, राइट। आपके पास फॉर्मूला होगा, आपके पास मेथड होगा, उसके द्वारा आप उस पार्टिकुलर डाटा को एनालाइज कर पाएंगे और फिर आप उस रिजल्ट को इफेक्टिवली, आपको रिजल्ट मिलेगा जिससे आप डाटा को इंटरप्रेट करेंगे। तो आखिर ये सब क्यों करें हम, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस सभी फील्ड में है, चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे स्पोर्ट हो, वेदर फोरकास्ट हो, स्टॉक मार्केट हो, क्वालिटी टेस्टिंग हो, इवन बैंकिंग में भी है, गवर्नमेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज, स्टैटिस्टिक्स इज यूज एवरीवेयर। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन इंक्लूडेड, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे कैसा यूज है। मैंने तो आपको ब्रॉड आइडिया दे दिया कि हाँ स्टैटिस्टिक्स का यूज है, लेकिन कहाँ कैसे यूज है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में। दोस्तों बिजनेस में कहाँ यूज होता है, तो जो हमारे बिजनेस के डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो पॉलिसीज और स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन ये पॉलिसी किस बेसिस पे बनता है, तो जैसे मान लीजिए कि जो उनको जानकारी मिला प्रोडक्शन पे, सेल्स पे, प्रॉफिट पे, परचेज पे, फाइनेंस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसीजन करते लेते हैं और वो प्रॉपर पॉलिसीज और स्ट्रेटजी बनाते हैं। आपने दोस्तों नाम सुना होगा बेजियन डिसीजन थ्योरी।
अब देखिए दोस्तों, इस डिसीजन थ्योरी में क्या हुआ कि जो बिजनेसमैन है इस डिसीजन थ्योरी के द्वारा अपने ऑप्टिमल डिसीजन को सेलेक्ट करते हैं ताकि वो पे ऑफ को डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकें। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें, मैंने बिजनेस तो आपको समझा दिया कि बिजनेस में जो डिसीजन मेकर होते हैं वो अपना जो पॉलिसीज बनाते हैं वो उनका सोर्स यही होता है, जो डाटा कलेक्शन होता है। अब बात करें यदि इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है डिमांड, कॉस्ट, प्राइस, क्वांटिटी, इन सभी को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अब कुछ लॉज हैं डिमांड्स के, ठीक है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तो ये सभी के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स में कैसे हम कैसे इस पार्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है। यदि हम बात करें मेडिकल साइंस में, तो मेडिकल साइंस में भी स्टैटिस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आपका क्लिनिकल रिसर्च हुआ, इसके अंदर आप क्या करते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है कि मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है, जो प्रपोज मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है, जो हमारा थेरेपीज है, ठीक है, उसके बेनिफिट्स को एसेस किया जाता है, और उसके बाद जो है ऑप्टिमल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। दोस्तों तो ये सभी कैसे हो रहा है, जब डाटा पहले कलेक्ट हो रहा है तभी तो। क्लिनिकल रिसर्च में भी स्टैटिस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों वेदर फॉरकास्ट की बात करें, तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड है, जैसे रेग्रेशन टेक्निक है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, ये सभी यूज होता है वेदर फॉरकास्टिंग में। यदि स्टॉक मार्केट की बात करें, तो जैसे हमारे पास जो टेक्निक है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, इससे हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक प्राइस को फॉरकास्ट करते हैं, ये सभी टेक्निक का यूज करके। सो आप देख रहे हैं दोस्तों, मेडिकल में, वेदर फॉरकास्ट में, स्टॉक मार्केट में, इवन बैंक्स में कहाँ यूज है इसका, हमारा स्टैटिस्टिक्स का। तो दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री करती क्या है, ये पॉलिसीज, जैसे मान लीजिए क्रेडिट पॉलिसीज है, तो बैंक का जो क्रेडिट पॉलिसी होता है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, तो दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी का, डिमांड डिपॉजिट का, टाइम डिपॉजिट का, क्रेडिट रेशियो का, कितने कस्टमर हैं, इन सभी का प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है और उसके बेसिस पे क्रेडिट पॉलिसी को डिसाइड किया जाता है। दोस्तों नाउ यू कैन सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पार्टिकुलर फील्ड, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स इन बैंक्स। सो आपने दोस्तों एक आपको एक ग्रुड ओवरव्यू मिल गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स कैसे हमारे इकोनॉमिक्स में, कैसे हमारे मेडिकल साइंस में, कैसे हमारे वेदर फॉरकास्ट में, स्टॉक मार्केट में, बैंक्स में, हाउ इट प्लेज अ डोमिनेंट रोल, इट क्रूशियल रोल। स्पोर्ट्स में भी यूज होता है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का, क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कि स्पोर्ट्स में कहाँ यूज होता है स्टैटिस्टिक्स का? तो दोस्तों जो भी हमारे एथलीट हैं उनको यदि अपना प्रॉपर एनालिसिस करना है, तो उनको यदि सक्सेस प्राप्त करना है, तो वो प्रॉपर अंडरस्टैंड, उनको स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब वही टीम के सक्सेस को डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस को। अब जरा बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की फंक्शन क्या है, कि आखिर ऐसा क्या है जो स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करता है। तो स्टैटिस्टिक डाटा को एक डेफिनेट फॉर्म में, फैक्ट को एक डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ये किसी कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करता है, इसके द्वारा आप कंपेयर कर सकते हैं, इससे आप दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्थापित कर सकते हैं, इससे आप पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इससे आप फॉरकास्ट कर सकते हैं आउटकम को। देखिए कितना फ़ायदा है स्टैटिस्टिक्स का, आप स्टैटिस्टिक्स को से डाटा को एक डेफिनेट फॉर्म में दिखा सकते हैं, आपका जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, बेसिकली आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑल्सो फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड यू कैन ऑल्सो फॉरकास्ट आउटकम। दोस्तों स्टॉक मार्केट की आपकी बात करें थे, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हमारा जो आउटकम्स है उसको हम लोग फॉरकास्ट भी करते हैं ना, और इसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। सो दीज ऑल पॉइंट्स क्लियरली डिपिक्ट्स द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द लिमिटेशन। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, खाली एवरी क्वाइन हैज़ टू साइड्स। ओके, अभी तक हमने उसके मेरिट्स की बात की, अब जरा डिमेरिट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्या क्या डिमेरिट है स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहला डिमेरिट है कि स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल से डील नहीं करता, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों स्टैटिस्टिकल मेथड जो है उसको आप इंडिविजुअल वैल्यूज, ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, उसको आप एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने जो ऑब्जर्वेशन, आपके पास जो इन्फरेंस है, ठीक है, उसको आपने एक इंडिविजुअल के लिए अप्लाई किया, नो, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स स्टडी होता है मास डाटा का या एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन का, और ये डील करता है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक इंडिविजुअल के लिए लागू नहीं हो। दूसरा पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव डाटा। ध्यान दीजिएगा कि आप स्टैटिस्टिक मेथड को क्वालिटेटिव या नॉन न्यूमेरिकल डाटा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही आपको मैंने बताया कि डाटा का दो पार्ट होता है, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव, एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव। तो मैंने आपको बताया ना कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव डाटा। तो स्टैटिस्टिकल मेथड को आप
सॉरी क्वान्टिटेटिव डाटा, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड को आप क्वालिटेटिव डाटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या नॉन न्यूमेरिकल डाटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत बड़ी लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। आप केवल उसी फैक्ट को स्टडी कर सकते हैं जिसको आप नंबर में या क्वांटिटी में स्टेट कर सकते हैं। आपको हम बोले कि आप फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स की डाटा कलेक्ट कीजिए। कैसे कलेक्ट कीजिएगा? यू कांट यूज स्टैटिस्टिक्स, आप स्टैटिस्टिक्स का यूज करके फीलिंग की डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते, राइट? आपकी इमोशन को नहीं कलेक्ट कर सकते। सो दीज थिंग्स, दिस इज द वन ऑफ सीरियस लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों तीसरा पॉइंट, तीसरा डिमेरिट की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट देता है किसी एवरेज पे, राइट? स्टैटिस्टिक्स आपको रिजल्ट देगा लेकिन एवरेज रिजल्ट देगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं देगा, राइट? रिजल्ट ट्रू होगा, हाँ रिजल्ट सही होगा, लेकिन वो एवरेज के बेसिस पे होगा। चौथा पॉइंट है कि रिजल्ट बाइस्ड हो सकता है, दैट मीन्स इट कैन बी फेवरेबल टू समवन, इट कैन बी अनफेवरेबल टू अदर, ठीक है? तो डाटा कलेक्शन कभी कभी बाइस भी हो जाता है और इसके कारण क्या होगा कि हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन यूजलेस हो जाता है। और ये इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कोई ईमानदार आदमी नहीं है, राइट? अब उसको आपने कह दिया कि चलो डाटा कलेक्ट करो, तो अब वो क्या करेगा? अब वो उसका उसका डाटा हो सकता है कि आपका वो बाइस हो जाए, राइट? तो हमने चार लिमिटेशंस देखे अपने स्टैटिस्टिक्स के। उम्मीद है दोस्तों आपको बेसिक तो क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स का कहाँ इंपॉर्टेंस है, स्टैटिस्टिक्स की फंक्शन क्या है, स्टैटिस्टिक्स की डिमेरिट क्या है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, वेरी गुड। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डेफिनेशन। दोस्तों हम लोग आप डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले पहला डेफिनेशन आता है पॉपुलेशन। दोस्तों आप जो मैं आप जो भी मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब से न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होने वाला है। आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूं और बेसिक जानकारी आपको होगी तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। सो प्लीज़ लिसन विद अटमोस्ट केयर, ओके? द फर्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन। दोस्तों पॉपुलेशन क्या होता है कि देखिए, आपको मैंने बताया था ना कि डाटा जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है डाटा कलेक्शन, याद है? अभी मैंने आपको बताया था, स्टेप समझाया था कि सबसे पहले आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों डाटा कहाँ से कलेक्ट करें? तो आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे तभी तो डाटा कलेक्ट करेंगे। तो उस ऑब्जर्वेशन का जो कलेक्शन होता है ना, उसे ही हम पॉपुलेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि देखिए, डाटा का कलेक्ट करना, डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे? ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन के कलेक्शन को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। तो इसको एक और तरह से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पॉपुलेशन एक इंटायर ग्रुप है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं और जहाँ से हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन पॉपुलेशन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट डेफिनेशन। अब मैं देखिए, बिना एग्जांपल का ये चीज़ क्लियर होगा नहीं आपको, तो मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। अब मान लीजिए, अब देखिए आपके सामने एक सवाल है कि आपको एडल्ट मैन का वेट इनका निकालना है। भारत में जो एडल्ट मैन है, मतलब जो जितने यंग पॉपुलेशन एडल्ट लोग हैं, उनका वेट क्या है, ये आपको काम दे दिया गया। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है दोस्तों, कि आपका जितने भी लोग हैं, जितने भी आदमी हैं, सबका वेट, मान लीजिए एक का 52 kg निकला, एक का 58 kg निकला, एक का 60 kg निकला, एक का 62 kg निकला, तो ये जो सेट है ना, इसे ही कहा जाएगा पॉपुलेशन। तो अब आप जरा डेफिनेशन को देखिए। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन में क्या बताया, मैंने बताया आपको कि ग्रुप विच वी आर इंटरेस्टेड इन। तो यहाँ पे ग्रुप क्या है? वेट ऑफ ऑल मैन। आपने सभी लोगों का वेट नापा और उसका सेट बना लिया, वही कहलाता है आपका पॉपुलेशन। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपको स्टडी करना है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी जीपीए कितना है, आपको ये स्टडी करना है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा दोस्तों? आप कुछ भी स्टडी करें, आपकी कोई भी कलेक्शन ऑफ डाटा हो, पॉपुलेशन जरूर होगा, पहले पॉइंट। तो यहाँ पे क्या पॉपुलेशन होगा? आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की जीपीए को स्टडी करना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, पहला स्टूडेंट के पास जाएंगे, पूछेंगे बताओ अपना जीपीए कितना है। मान लीजिए वो बोला कि मेरा जीपीए है 8.8, तो ये पहला डाटा हुआ। फिर दूसरे स्टूडेंट के पास जाएंगे, बोलेंगे जीपीए बताओ, तो बोलेगा 9, तो ये दूसरा डाटा हुआ। फिर तीसरे से पूछेंगे, बोलेगा 10। तो ये जो डाटा का कलेक्शन है ना, 8.8, 9, 10, इसी के सेट को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। तो दोस्तों आपको यदि कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे पूछे कि बताओ पॉपुलेशन क्या है, तो आप शायद पॉपुलेशन को समझ गए हैं, राइट? वेरी गुड। तो मैंने आपको दो एग्जांपल समझाए पॉपुलेशन को क्लियर करने के लिए। आइए दोस्तों अब हम लोग सैंपल की बात करते हैं। सैंपल क्या होता है दोस्तों? सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान दीजिएगा, पहले लाइन में ही लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, एक पॉपुलेशन का हिस्सा, राइट? पॉपुलेशन के एक हिस्सा को हम लोग कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पॉपुलेशन का एक हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल। अब देखिए एक चीज़ बताइए, ठीक है, अब क्यों सैंपल लाया गया? पॉपुलेशन ही क्यों नहीं ठीक था, सैंपल की क्यों ज़रूरत पड़ी? अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस पॉपुलेशन से, जहाँ से हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, वो बहुत बड़ा है स्टडी करने में,
ठीक है। और ऐसे लार्ज पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो समय को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पॉपुलेशन के एक हिस्सा को ले लेते हैं स्टडी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अब देखिए डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब आप देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि आपको जो है कुछ डाटा दे दिया कि भारत के ये पता करो कि भारत में कितने कितने एडल्ट हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं। अब देखिए भारत में कितने सारे लोग हैं, बहुत लाखों करोड़ों में अरबों में हैं। तो अब आपको ये अरबों का संख्या का डाटा कलेक्ट करना है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टास्क है, बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ पॉपुलेशन ले लेंगे और हम ये मानेंगे कि जो हमारा जो कुछ पॉपुलेशन कहते हैं उसे ही हम लोग सैंपल कहते हैं। और जब हम सैंपल को स्टडी करेंगे ना तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो कंक्लूजन निकलेगा वो पूरा होल ग्रुप के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको मान लीजिए कि स्टडी करना है इन्फेंट हेल्थ माइट बी ऑल चिल्ड्रेन बॉर्न इन इंडिया इन वन पार्टिकुलर एरिया, मतलब एक साल में जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं उनका हेल्थ कैसा है, मान लीजिए इसका आपको पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे सैंपल क्या हो सकता है कि एक दिन का, आपने आपको एक साल का पूछा है, आप एक दिन का डाटा ले लीजिए तो ये आपका हो जाएगा सैंपल। मतलब एक दिन में का जो डाटा आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप मानेंगे कि ये एक साल के लिए भी वैलिड है। तो सैंपल का सिंपल मीनिंग है पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम स्टडी करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि पूरे की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर पाना कभी कभी मुश्किल होता है, कभी कभी एक्सपेंसिव होता है। दैट्स वाई वी टेक पार्ट ऑफ इट एंड स्टडी इट। सो आई थिंक कंसेप्ट अबाउट पॉपुलेशन एंड सैम्पल इज क्लियर। पॉपुलेशन के बारे में मैंने क्या बताया, फिर से रिकॉल कीजिए। पॉपुलेशन के बारे में बताया कि ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन जहाँ से हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे, एक तो ये बेसिकली ग्रुप होता है जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, और सैम्पल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। अब दोस्तों डाटा दो तरह का होता है, डाटा जो है दो तरह का हो सकता है दोस्तों उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। पहला हो सकता है वेरिएट और दूसरा हो सकता है एट्रीब्यूट। ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं वेरिएट और एट्रीब्यूट पे डिफरेंस क्लियर करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वेरी करेगा और उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग वेरिएट। एग्जाम्पल के तौर पर प्राइस ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी, अब मान लीजिए कोई कॉमोडिटी है उसका प्राइस है, ठीक है, तो वो क्या होगा। एक हो सकता है कि एक कॉमोडिटी का मान लीजिए कि वीट है, वीट का प्राइस हो गया मान लीजिए 42 रुपीज़ पर केजी, और एक राइस है, राइस का प्राइस मान लीजिए हो गया 50 रुपीज़ पर केजी। तो ये जो प्राइस है वो अलग अलग कॉमोडिटी के लिए अलग अलग है ना, इसीलिए इसे वेरिएट कहा जाता है। मतलब वेरिएट मतलब वो चीज़ जो कि अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग डिफरेंट होगा। जैसे वेजेज ऑफ वर्कर, तो हो सकता है कि एक वर्कर का वेज अलग हो दूसरे का अलग हो, राइट। हाइट हो सकता है डिफरेंट हो, वेट हो सकता है डिफरेंट हो, मार्क्स हो सकता है डिफरेंट हो, मतलब ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वैरी करेगा और उसे हम लोग कहते हैं वेरिएट। दूसरा होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि वैरी तो करेगा लेकिन इसको आप न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो कहलाता है हमारा एट्रीब्यूट। अभी जैसे आपने देखा प्राइस हुआ, वेजेज हुए, हाइट हुए, वेट हुए, मार्क्स हुए, इसको तो क्वांटिफाई कर सकते हैं ना आप। अब ये कह सकते हैं ना कि प्राइस हमारा समथिंग रुपीज़ है, आप ये कह सकते हैं ना कि वेज हमारा समथिंग रुपीज़ है, आप कह सकते हैं कि हाइट हमारा सर्टन मीटर है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि बॉल का कलर हमारा, इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते। आप रिलीजन को क्वांटिफाई कर सकते हैं क्या? यू कॉन्ट डू दैट, राइट। सो दोस्तों बेसिक डिफरेंस क्लियर रखिए। डाटा को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरिएट का मतलब क्या होता है? वेरिएट मतलब एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको जो कि इंडिविजुअल वाइज वेरी करेगा और आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप उसको नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एट्रीब्यूट को आप नंबर के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। वेरी गुड, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। अब दोस्तों एक चीज समझिए, वेरिएट का दो पार्ट होता है, एक होता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल। दोस्तों व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल? अभी मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएट वो होता है जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो वेरिएट फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेता है उसे कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, और जो वेरिएट कोई भी वैल्यू ले लेता है एक रेंज में, ठीक है, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल है जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, एक फैमिली में जितने लोग हैं, ठीक है, आप बताइए एक फैमिली में जो जैसे मान लीजिए कि किसी फैमिली में 5 लोग हैं, तो उसको आपने कहा ना कि 5 लोग हैं, आपने नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ना, फाइनाइट नंबर लिया ना वो 5, तो वो कहलाएगा हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। अब जैसे मान लीजिए कि एक साल में कितना एक्सीडेंट हुआ, तो उसको आप कह सकते हैं ना कि 1000 एक्सीडेंट हुआ, तो आपने एक फाइनाइट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये कहलाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल।
जैसे आपने पूछा एजेस, तो किसी का एज तो फिक्स है ना, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, तो ये एक डेफिनेट नंबर है ना, तो ये हमारा क्या रहेगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। अब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, तो दोस्तों एक ऐसा वेरिएट जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है किसी रेंज में। अब जैसे आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अब देखिए दोस्तों परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो सकता है किसी का एक रेंज हो सकता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि किसी का परसेंटेज जो है 52.5% आ जाए, इंटीजर हो सकता है ना, लेकिन क्या बताइए एज किसी का इंटीजर हो सकता है क्या, ये ऐसा आप कहते हैं क्या कि किसी का जो एज है वो 5.5 इयर्स है? नो, ये हमेशा कहते हैं कि 5 साल है, हमेशा कहते हैं कि 10 साल है। तो जो इंटीजर हो सकता है, जो फ्रैक्शन हो सकता है, किसी के रेंज में हो सकता है, उसे हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। आप जैसे हाइट कहते हैं, तो हाइट कहते हैं ना आप, किसी का 5.5 इंच है तो 5.5 फुट है, ऐसा कहते हैं ना। तो जो फ्रैक्शन हो सकता है, जो इंटीजर हो सकता है, उसे हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। तो बेसिक चीज़ क्लियर है ना कि देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको कि डाटा को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिक्स पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा डिस्क्रीट डाटा, सॉरी एक होता है हमारा दोस्तों वेरिएबल, वेरिएबल और दूसरा होता है हमारा एट्रीब्यूट। वेरिएबल यानी कि जिसे आप जो है जिसका जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। वेरिएबल को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक है हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल। आई थिंक द बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पैरामीटर्स की। पैरामीटर क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए पैरामीटर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है या एक न्यूमेरिकल फंक्शन है किसी ऑब्जर्वेशन का। ध्यान दीजिएगा, आपको आपको एक पॉपुलेशन को स्टडी करना है, ठीक है, आपको एक पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो उसके ऑब्जर्वेशन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही होता है हमारा पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है दोस्तों, एक अननोन वैल्यू होता है, इट इज जस्ट एन अननोन वैल्यू दैट इज फिक्स्ड। एग्जांपल के तौर पर आप पॉपुलेशन का मीन निकाल लीजिए, ठीक है, तो आपको पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो आपको उसका मीन निकालना है, पॉपुलेशन का मीडियन निकालना है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो दिस आर ऑल कॉल्ड पैरामीटर्स। तो पैरामीटर अननोन होता है दोस्तों, प्लीज रिमेंबर, पैरामीटर अननोन होता है, पैरामीटर आपको पता नहीं होता है, आपको पॉपुलेशन का मीन नहीं पता है, पॉपुलेशन का मीडियन नहीं पता है, तो कैसे निकालिएगा? तो उसके लिए आप सैंपल का यूज कीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको सैंपल समझाया था ना, सैंपल क्या होता है दोस्तों, सैंपल मतलब एक पॉपुलेशन का एक हिस्सा, उसे हम लोग सैंपल कहते हैं। तो आपको पॉपुलेशन का मीन नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन का मीन तो पैरामीटर है हमारे लिए, तो पॉपुलेशन का मीन कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप सैंपल का हेल्प लेंगे, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैटिस्टिक्स का काम यहीं पे आता है कि हम पैरामीटर को एस्टिमेट कर सके। अभी तक आप सोच रहे होंगे, एक तरफ तो आप हमको स्टैटिस्टिक्स समझा दिए और एक तरफ फिर से आप ये सब क्या क्या चीज़ लेकर आ गए, दोस्तों अब समझ में आएगा आपको क्यों हमने स्टैटिस्टिक्स समझा था। स्टैटिस्टिक्स का यूज इसलिए होता है ताकि हम लोग पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकें, ठीक है। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स इज अ क्वांटिटी और फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सैंपल ऑफ डाटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, यदि आप इसको समझ गए ना, समझिए कि इस पूरे चैप्टर का कैसे प्लेयर दिया। सो ध्यान से सुनिए, स्टैटिस्टिक्स इज अ क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सैंपल ऑफ डाटा। अभी मैंने क्या बताया आपको कि किसी सैंपल को स्टडी करेंगे तो पैरामीटर को हम लोग निकाल सकते हैं, और सैंपल ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स ही है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है कि आपका जो सैंपल है, आपका जो डाटा का सैंपल है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, उसके क्वांटिटी को हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों, ये जो सिंगल लाइन लिखा है इसका क्या मीनिंग है, हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टैटिस्टिक्स आपको इन्फॉर्मेशन देता है अननोन वैल्यूज का। जैसे मान लीजिए कि आपको आपको दोस्तों पॉपुलेशन का मीन निकालना, आपको ये निकालना है कि भारत में एडल्ट की जो हाइट है उसका मीन क्या है, जितने भी भारत में टोटल एडल्ट हैं उनके हाइट का आपको मीन निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो पॉपुलेशन हो गया ना, क्योंकि जनसंख्या तो बहुत सारी है, ठीक है। तो आप पॉपुलेशन का मीन कैसे निकालेंगे, आप पैरामीटर को कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे और उसके मीन को निकालेंगे। समझिए दोस्तों, निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है पॉपुलेशन का मीन, लेकिन आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप सैंपल का मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपने क्या किया कि चलो हम एक एक पार्टिकुलर शहर को लेते हैं, उसमें जितने एडल्ट हैं उनके उनके हाइट को निकाल लेते हैं और उससे हम लोग पॉपुलेशन का मीन निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये जो केस है, आप सैंपल का मीन से एस्टिमेट कर रहे हैं ना कि पॉपुलेशन का मीन हमारा इतना होगा, इसीलिए ये सैंपल का मीन हमारा स्टैटिस्टिक्स है और इसे ही हम लोग एस्टिमेटर भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहां से सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज एस्टिमेटर, प्लीज रिमेंबर। एस्टिमेटर क्या होता है कि जिसके द्वारा पॉपुलेशन के हम पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं एस्टिमेटर। यहाँ पे सैंपल का मीन हमारा क्या है, एस्टिमेटर है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि डाटा के कलेक्शन की बात करें, तो
तो दोस्तों रिसर्चर्स या इन्वेस्टिगेटर को डाटा कलेक्ट करना पड़ता है रेस्पोंडेंट से। दो तरह के डाटा होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डाटा, एक होते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? वैसा डाटा जिसको डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है या फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा या रिसर्चर के द्वारा, कहाँ से? रिस्पोंडेंट से। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने का क्या क्या तरीका है? देखिए, प्राइमरी डाटा का मतलब वैसा डाटा जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। इसको कलेक्ट करने का तरीका क्या है? या तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड को यूज करेंगे। डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है कि आप फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बनाते हैं, किसके साथ? इन्फॉर्मेंट के साथ या रेस्पॉन्डेंट के साथ। हु इज रेस्पॉन्डेंट? जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं उसे कहा जाता है रेस्पॉन्डेंट। तो उसके साथ आप फेस टू फेस कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, और फिर डाटा को कलेक्ट करते हैं। और जो इंटरव्यूअर है उस रेस्पॉन्डेंट से तरह तरह के सवाल पूछते हैं उस पार्टिकुलर सर्वे से रिलेटेड, और उससे जो डिज़ायर इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। और इससे हम लोग प्राइमरी डाटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। जो हमारे पास दूसरा तरीका है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का, वो है क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर क्या होता है कि आपने एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट दिया जिसके अंदर कुछ क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं या ओपन इंडेड क्वेश्चन होते हैं। इससे क्या होता है कि एक लार्ज ग्रुप से डाटा को आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का हमारे पास दो जरिया है, एक तो है हम लोग डायरेक्ट इंटरव्यू करें और दूसरा तरीका है हमारा क्वेश्चनियर। सेंसस और सैंपल सर्वे। सेंसस में क्या होता है दोस्तों कि जितने भी इंडिविजुअल यूनिट हैं उनके बारे में डाटा, जैसे मान लीजिए पीपल हैं या हाउस होल्ड हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है किसी पॉपुलेशन में। और सर्वे में क्या होता है कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है किसी पॉपुलेशन के सब पार्ट्स में। सेंसस समझ में आना कि पूरा पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, और सर्वे में क्या होता है कि उस पॉपुलेशन का एक सब पार्ट का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, और उस सब पार्ट को हम लोग कहते हैं सैंपल। और फिर इस डाटा को यूज किया जाएगा होल पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को एस्टिमेट करने में। तो अंतर समझ में आ गया आपको सेंसस और सर्वे में? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये हमारा पार्ट वन था। इस तरह से हम लोग 30-30 मिनट्स का वीडियोस लाएंगे अलग अलग पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट विल बी प्रोवाइडेड टू पेड मेंबर्स। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू हैव सच टाइप ऑफ वीडियोस, इफ यू वांट टू एंजॉय सच टाइप ऑफ वीडियो, सो यू नीड टू सब्सक्राइब टू अवर प्लान्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबव, एंड आई विल प्रोवाइड यू वीडियोज, MCQs, ईच एंड एवरी कंसेप्ट विल बी क्लियर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि AVM बुक कॉस्ट ₹650 अप्रॉक्स, एंड इफ़ यू ऑप्ट फॉर आवर प्लान इट विल कॉस्ट ₹800 ओनली, एंड यू विल गेट MCQs, you will get PDF, you will get mock test, and you will get quizzes. So see how much beneficial is our program, that you are getting more than theory, not only theory, you are getting MCQs also, and you need not buy a Macmillan book if you opt for our plan. So it is wise decision to opt for our plan. For more detail, you can WhatsApp me on the number provided here. The number is shown here and in the description section also. तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमने अभी तक क्लियर किए, क्विकली रिकॉल करते हैं दोस्तों, ताकि एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा कि हाँ ये सब टॉपिक्स हमने आज पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स को समझाया। स्टैटिस्टिक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाए जाते हैं। डाटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, इसका दो पार्ट होता है, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्वान्टिटेटिव डाटा से डील करते हैं। दूसरा चीज़ हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या स्टेप है। पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसे क्लासीफाई और टैबुलेट करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, और लास्ट में उसे आप इंटरप्रेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस हर एक फील्ड में है, बिजनेस में है, मेडिकल में है, स्पोर्ट्स में है, वेदर फॉरकास्ट में है, स्टॉक मार्केट में है, गवर्नमेंट डिसीजन पॉलिसीज में है, बैंक्स में है, कहाँ कहाँ है वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखा। कॉम्प्लेक्स डाटा को सिम्प्लीफाई करेगा, कंपैरिजन के लिए हेल्पफुल होता है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है, फॉरकास्टिंग करता है, और वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। लिमिटेशन हमने देखा, इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करता, क्वालिटेटिव डाटा को स्टडी नहीं कर सकते, एवरेज में रिजल्ट बताता है और बायस रिजल्ट हो सकता है। पॉपुलेशन का डेफिनेशन हमने बताया कि आपका जो इंटायर ग्रुप होता है जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं उसे पॉपुलेशन कहते हैं। सैंपल एक पार्ट होता है पॉपुलेशन का। हमने डाटा को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, वेरिएट और एट्रीब्यूट। तो वेरिएट में बताया कि जिसको आप न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को आप न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वेरिएट का दो पार्ट होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल फाइनाइट वैल्यू लेता है, कंटिन्यूस वेरिएबल कोई वैल्यू लेता है। पैरामीटर मैंने आपको बताया कि पैरामीटर जो होता है दोस्तों एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है हमारे ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, तो और स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। फिर हमने बताया डाटा का दो टाइप होता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनेयर है। फिर हमने बताया आपको सेंसस और सर्वे में डिफरेंस। सेंसस का मतलब है कि आप पूरे पॉपुलेशन के इंडिविजुअल यूनिट के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं,
और सर्वे में क्या होता है दोस्तों कि आप केवल क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक पार्टिकुलर डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं सब पार्ट के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में बाकी चीज़ों को देखेंगे। धन्यवाद।